नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमित मेहता। जैसे कि आपको बता दें, रक्तदान का शिविर लगाया गया है और यह शिविर सेक्टर क्लब रुड़की मिड टाउन द्वारा यातायात पुलिस का सहयोग है इसमें। और आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्योंकि ब्लड डोनेट को ही रक्तदान को ही महादान कहा जाता है। सर, कितने लोगों ने अब तक यहाँ पे ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 15 लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट कर दिया। कैंप है, ये यहीं पे लगाया गया, और भी रुड़की में कैंप लगा। रुड़की में 7 जगह कैंप लगना है। कल RC कॉलेज में लगाया गया था, वहाँ पे हमारी 60 यूनिट इकट्ठी हुई थी। आज यहाँ पे TI लाइन में कैंप लगाया गया है। इसके अलावा हमारा गणेशपुर में कैंप लगना है, एक डंडेरे में कैंप लगना है, रामनगर में लगना है, क्वाड्रा कॉलेज में लगना है। इस तरह 7 लोकेशन पे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगना है। रक्तदान शिविर लगाते हैं, आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करने से, उसके बहुत बेनिफिट है। नया ब्लड बनता है, बॉडी में रोटेट अच्छी तरह होता है, दूसरे को हेल्प मिलती है। हमारे पास जब किसी का कॉल आता है ना कि भैया हमें ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड हमें कहीं नहीं मिल रहा है और हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे की हेल्प होती है, उसे ज़िंदगी मिलती है, नई ज़िंदगी मिलती है और आपकी बॉडी रिमूव होती है। भैया क्या कहेंगे जिस तरह से रक्तदान शिविर लगाया गया है उसके लिए? ये मैं कहता हूँ रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है। देखिए, ये कहते हैं रक्तदान महादान है। अब हर जना डॉक्टर नहीं हो सकता है किसी की भी लाइफ सेव करने के लिए, पर हाँ, आप रक्तदान करके ज़रूर आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है कि आपको अपना ब्लड डोनेट करना रेगुलरली करते रहना चाहिए करके, जिससे कि लोगों के कल को आप किसी के काम आ रहे हैं, कल को यही ब्लड जब आपको ज़रूरत हो तो आपके भी काम आ सकते हैं। डॉक्टर नीतीश इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, रक्तदान शिविर लगाया गया है, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट अब तक कर चुके हैं? अभी तक हमारे पास 16-17 यूनिट हो चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे यहाँ 56 बच्चे थैलेसीमिया के रहते हैं, जिनको माह में 2 बार हमें ब्लड देना पड़ता है, तो उसके लिए रक्तदान शिविर बहुत ज़रूरी एक कार्यक्रम है जो आयोजित होते रहने चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करे ताकि बच्चों को ब्लड मिल सके, उनकी जीवन रक्षा हो सके। तो कहाँ कहाँ पे शिविर लगाए गए हैं आज? आज हमारे यहाँ पे लगा है, ये बोट क्लब यातायात पुलिस का है, उसमें आज हमने शिविर लगाया है। होपफुली अच्छा रिस्पॉन्स है और जहाँ तक है अच्छे से हमें ब्लड मिलेगा। कहीं ना कहीं हम यूथ की बात करते हैं, यूथ इस चीज़ के लिए गाइड नहीं सोचते कि रक्तदान का होगा तो कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी आ जाएगी, भागते हैं इस चीज़ से। यूथ को कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है, यूथ को किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच कुछ मिथ्स हैं, अब उनको धीरे धीरे अवेयरनेस के थ्रू ही हम अलग कर सकते हैं। जितना लोगों से बातचीत होती रहती है, हम उन्हें समझाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है। बच्चा अगर ब्लड देता है, बड़ा देता है, जैसे कि मतलब मिनिमम एज लिमिट 18 से ऊपर होना चाहिए वो, कि अगर बच्चे को 18 से ऊपर एज है तो उसको एज सच कोई कमज़ोरी नहीं आती है। वो माह में मतलब 3 माह में एक बार ब्लड दे सकता है जिसका हीमोग्लोबिन 13 या 14 से ऊपर है। क्या शिविर लगाया गया है, कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है यातायात पुलिस द्वारा? अभी नियरली आप ये देखिए 10 से 15 लोगों ने कर लिया है। इनिशिएटिव इसने पुलिस ने ही किया है, हमने अपने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपना ब्लड डोनेशन करें। इससे ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी होता है, और कम से कम एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो आपको कर लेना चाहिए इसको, ताकि आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके ब्लड में कोई कंटैमिनेशन है या किसी प्रकार की आपको कोई बीमारी है, तो वो भी आपको पता चल जाती है और टाइमली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यूथ हमारी देखते हैं कहीं ना कहीं रक्तदान से थोड़ा दूर जाती है, यूथ को किस तरह से मोटिवेट करेंगे? एक्चुअली क्या है कि अभी जो एक अवेयरनेस जो है ब्लड डोनेशन की, लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस कम है। लोग ये सोचते हैं कि ब्लड अगर हमने निकाल दिया तो हम पे कमजोरी आ जाएगी, बेसिक यही अभी लोगों की जानकारी में रहता है। तो अवेयरनेस तो ये है कि जैसे हम लोगों ने ये अपने पंपलेट्स वगैरह जो लगाए हैं आपके माध्यम से, TV चैनल के माध्यम से, आप जितने भी हमारे जो पॉपुलर करने के जितने भी जो माध्यम है, अगर हम उनमें अगर उसको प्रसार करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी कि ब्लड डोनेशन जो है वो एक अच्छी एक्टिविटी है, वो एक डिसएडवांटेज नहीं है कि आप वीकनेस हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। बस जागरूक करना अनिवार्य है बस सभी लोगों को भी। आज जिस तरह से वुमेन इंटरनेशनल डे है आज, और कहीं ना कहीं आजकल के युवा जो होते हैं स्कूल के बाद बच्चों के साथ छेड़छाड़, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यातायात पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है ऐसे युवाओं की? देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यातायात पुलिस का है वो एक तो रोड सेफ्टी, और जो उसमें जो जितने भी चाहे वो पैदल हों चाहे वो वाहन चलाते हुए व्यक्ति हों, उनका सुरक्षा प्रदान करना है। हमारी जो यहाँ पे हॉक जो हमने लगा रखी है, जिसको आप CPU कहते हैं, सिटी पेट्रोल यूनिट,
इसका कार्य जो है, इसी का कार्य ये रहता है कि भाई अगर कोई मंचला अगर जा रहा है छात्राओं को छेड़ता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई ये लोग करते हैं। अगर उसके पीछे जाने की भी अगर बात आती है तो इनके पास अपने व्हीकल्स रहते हैं, दे कैन ट्रेस हिम और उसके पीछे जाके उसको पकड़ भी सकते हैं और उसमें संबंधित धाराओं में जो भी है उसको थाने में बंद कर सकते हैं। क्या कहेंगे, रक्तदान शिविर लगाया गया, किस तरह से मोटिवेट करेंगे आज की जनता को, यूथ को? जैसा कि कहा गया है कि रक्तदान महादान, अगर रक्तदान आप करते हैं तो किसी का जीवन बचाते हैं। ये दान मेरा ही नहीं, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, जितना भी पॉसिबल हो इसमें आगे बढ़ें और रक्तदान करें, एक जान को बचाएं। मेरा जनता से यही अनुरोध है कि आइए रक्तदान कीजिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रक्त की नीड हो जाती है, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं कहीं ना कहीं ब्लड मैच नहीं कर पाता है, ग्रुप मैच नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करें या एक सेवा हो, सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।